सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। तो पोकेमॉन वर्ल्ड में ज्यादातर पोकेमॉन 3 स्टेज के होते हैं, पर कुछ पोकेमॉन ऐसे भी हैं जो कि 2 स्टेज के हैं और एक और एवोल्यूशन डिजर्व करते हैं और उनका एक काफी अच्छा एवोल्यूशन बनाया जा सकता है। और आज हम ऐसे टॉप 10 2 स्टेज के पोकेमॉन के एवोल्यूशन को देखने वाले हैं। कुछ एवोल्यूशन फाइनल स्टेज के होंगे और कुछ मिडिल स्टेज के, और हाँ, ये सारे के सारे एवोल्यूशन फैन आर्ट होने वाले हैं, कोई भी ऑफिशियल नहीं होगा। तो हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना और वीडियो को लाइक ना मत भूलना। एंड अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। नंबर 1, क्यूबोन। क्यूबोन एक 2 स्टेज का ग्राउंड टाइप पोकेमोन है Gen 1 कैंटो से, और ये इवॉल्व होता है मैरोवैक में, बट इसके पास एक रीजनल फॉर्म भी है जो कि है अलोलन मैरोवैक। अगर आप क्यूबोन को रात में लेवल अप करोगे अलोला रीजन में तो वो इवॉल्व हो जाएगा अलोलन मैरोवैक में, जिसकी टाइपिंग फायर और घोस्ट टाइप है। बट स्टिल अलोला और कैंटो रीजन में दोनों में ये 2 स्टेज का पोकेमोन है, तो इसका 3rd स्टेज देखा जाए तो ये कुछ ऐसा हो सकता है। इसकी बॉडी काफी ज्यादा सिमिलर है कैंगस खान पोकेमोन से, एंड आप सबको पता होगा ऐसा क्यों है। एक काफी ज्यादा पॉपुलर थ्योरी के अकॉर्डिंग क्यूबोन ही कैंगस खान का बेबी है। इवॉल्व होने के बाद इसके हाथ में जो बोन होती है वो बदल कर एक्स बन जाती है। तो हाँ, ये फैन आर्ट मुझे काफी ज्यादा कूल और परफेक्ट लगा। नंबर 2, साइथर। साइथर एक बग और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है Gen 1 कैंटो से, और ये अब तक का वन ऑफ द बेस्ट डिजाइंड पोकेमॉन है। साइथर एक 2 स्टेज का पोकेमॉन है, ये मेटल कोट होल्ड करके ट्रेडिंग से इवॉल्व होता है सीजोर में, जिसकी टाइपिंग बग और स्टील टाइप है, और ये मेगा इवॉल्व हो सकता है मेगा सीजोर में। वेल, हिसुई रीजन में साइथर सीजोर में ना इवॉल्व होके इवॉल्व होता है क्लीवॉर में, जो कि एक बग और रॉक टाइप का पोकेमॉन है। तो इसका 3rd स्टेज देखा जाए तो वो इस तरह का हो सकता है। इसका नाम होगा नाइफ, और जो कि नाइफ से आता है, एंड इसकी टाइपिंग सेम ही रहेगी जो कि बग और स्टील टाइप है, और डिजाइन वाइज सच में ये काफी ज्यादा कूल लग रहा है। नंबर 3, ग्लाइगर। ग्लाइगर एक ग्राउंड और फ्लाइंग टाइप का पोकेमॉन है Gen 2 यानी कि जोटो रीजन से। ये एक 2 स्टेज पोकेमॉन है, अगर ये रात में रेजर फैंग को होल्ड कर ले तो ये इवॉल्व हो जाएगा ग्लाइस्कोर में। ये वन ऑफ द बेस्ट डिजाइन पोकेमॉन में से एक है और ये कंप्लीट एवोल्यूशन लाइन लगती है, बट फिर भी अगर ग्लाइगर के पास कोई 3rd एवोल्यूशन होता तो वो इस तरह का दिख सकता था। इसका नाम ग्लाइपियन होगा, जो कि ग्लाइड और स्कॉर्पियन का कॉम्बिनेशन है, और इसकी टाइपिंग ग्राउंड और फ्लाइंग से चेंज होकर पॉइजन और फ्लाइंग टाइप बन जाएगी, और ग्लाइस्कोर ग्लाइपियन में तभी इवॉल्व होगा जब ये सारे के सारे फैंग अटैक को सीख ले, जो कि होंगे फायर फैंग, आइस फैंग और थंडर फैंग। एंड इसके लिए एक और डिजाइन है जो कि है ये, इसका नाम स्कोर फैंग होगा, क्योंकि ये बेस्ड है स्कॉर्पियन पे और ग्लाइस्कोर को फैंग पोकेमॉन कहा जाता है, और ये फैंग अटैक सीखने के बाद ही इवॉल्व होगा। नंबर 4 पे आता है मैजिकार्प। मैजिकार्प एक वाटर टाइप का गॉड पोकेमॉन है Gen 1 कैंटो से, और सबको पता है कि ये 1st स्टेज में कितना ज्यादा स्ट्रांग होता है, बट डायरेक्टली ये एक वीक पोकेमॉन गैराडोस में इवॉल्व हो जाता है, जिसकी टाइपिंग वाटर और फ्लाइंग टाइप है, और ये एवोल्यूशन बिल्कुल भी सेंस नहीं बनाता, क्योंकि अचानक से एक पोकेमॉन में डिजाइन वाइज और पावर वाइज काफी बड़ा डिफरेंस आ जाता है। तो मेरे अकॉर्डिंग इसके पास एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था, जहाँ पे इसका डिजाइन गैराडोस के जैसा डेवलप होता और इसकी पावर थोड़ी सी बढ़ जाती, फिर फाइनली ये इवॉल्व हो जाता गैराडोस में, जो कि परफेक्टली सेंस बनाता, और मेरे अकॉर्डिंग इसका मिडल एवोल्यूशन इस तरह का हो सकता था। इस स्टेज में इसकी टाइपिंग वाटर टाइप ही रहेगी, बट इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग वाटर और फ्लाइंग टाइप ना होके वाटर और ड्रैगन टाइप हो जाएगी। ये टाइपिंग गैराडोस पर ज्यादा सेंस बनाती है। नंबर 5, बिडूफ। एक और गॉड पोकेमॉन जो कि बिलोंग करता है होइन से, और इसकी टाइपिंग प्योर नॉर्मल टाइप है। इसका एवोल्यूशन है बाय बैरल, जिसमें इवॉल्व होने के बाद इसकी टाइपिंग वाटर और नॉर्मल टाइप हो जाती है, और ये सिर्फ 2 स्टेज का पोकेमॉन है, तो अगर इसके पास 3rd स्टेज होता तो वो इस तरह का दिख सकता था। इसमें इवॉल्व होने के बाद इसके टेल पे स्टील की स्पाइक्स आ गई है, जिस वजह से इसकी टाइपिंग नॉर्मल और स्टील टाइप हो जाएगी। नंबर 6, मिस्टर माइम। मिस्टर माइम एक साइकिक और फेरी टाइप पोकेमॉन है Gen 1 कैंटो से। Gen 4 सिनो से पहले ये सिंगल स्टेज का पोकेमॉन था, इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था, पर सिनो में इसको एक प्री एवोल्यूशन मिला जो कि था माइम जूनियर। इसकी टाइपिंग भी साइकिक और फेरी टाइप है। माइम जूनियर लेवल अप से मिस्टर माइम में इवॉल्व होता है, बट हाँ, उसको मिमिक मूव आना चाहिए, और माइम जूनियर गलार में इवॉल्व हो जाएगा मिस्टर माइम में, जो कि मिस्टर माइम का रीजनल फॉर्म है। वेल, अगर मिस्टर माइम के पास 3rd एवोल्यूशन होता तो वो होता मास्टर माइम। इसका नाम इंस्पायर्ड है मास्टरमाइंड से, और इसके नाम से पता चलता है कि ये काफी ज्यादा इंटेलिजेंट पोकेमॉन होने वाला है, और इसकी टाइपिंग भी साइकिक और फेरी टाइप रहेगी। डिजाइन की बात करी जाए तो डिजाइन में ये क्लाउन के तरह लग रहा है, और ये एक मिस्टर माइम के डॉल को भी कठपुतली के तरह कंट्रोल कर रहा है। तो हाँ, मास्टरमाइंड अपोनेंट को कंफ्यूज करने में काफी ज्यादा काम आएगा।
नंबर 7 स्नोरलैक्स। स्नोरलैक्स जेन 1 कैंटो से एक नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है। सिनो रीजन से पहले यह सिंगल स्टेज का पोकेमॉन था। इसके पास कोई भी एवोल्यूशन या फिर प्री एवोल्यूशन नहीं था, पर सिनो में इसको एक प्री एवोल्यूशन मिला जो कि था मंचलैक्स। मंचलैक्स एक बेबी पोकेमॉन है एंड अगर ट्रेनर और मंचलैक्स में अच्छी फ्रेंडशिप हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा स्नोरलैक्स में। बट इनके बीच में एक मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था जो कि इस एवोल्यूशन लाइन को और भी ज्यादा परफेक्ट बनाता, और वो मिडल एवोल्यूशन इस तरह का हो सकता था। इसकी टाइपिंग भी नॉर्मल टाइप होती, बस ये कॉम्बिनेशन टाइप का है मंचलैक्स और स्नोरलैक्स का। एंड अगर ये एक ही दिन में अपने लिमिट के बाहर यानी कि काफी ज्यादा खाना खा लेता है तो ये इवॉल्व हो जाएगा स्नोरलैक्स में। नंबर 8 लुकारियो। लुकारियो एक स्टील और फाइटिंग टाइप का पोकेमॉन है जेन 4 सिनो से। लुकारियो पोकेमॉन वर्ल्ड के वन ऑफ द मोस्ट पॉपुलर पोकेमॉन में से एक है। ये 2 स्टेज का पोकेमॉन है। इसका प्री एवोल्यूशन है रियोलू। अगर रियोलू और उसके ट्रेनर के बीच में अच्छी बॉन्डिंग है तो डे में इसको लेवल अप करने पे ये इवॉल्व हो जाएगा लुकारियो में। लुकारियो और रियोलू के बीच में एक एवोल्यूशन मिसिंग लगता है जो कि इसका मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था, और वो मिडल एवोल्यूशन इस तरह का हो सकता था। इसकी टाइपिंग भी स्टील और फाइटिंग टाइप होती एंड स्टील बी मूव को सीखने के बाद ये इवॉल्व हो जाता लुकारियो में। वेल कमेंट्स में बताना कि इसका नाम क्या हो सकता है। नंबर 9 हीलियोलिस्क। हीलियोलिस्क एक इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप का पोकेमॉन है जेन 6 कैलोस से, और ये भी एक 2 स्टेज का पोकेमॉन है। इसका प्री एवोल्यूशन हीलियोप्टाइल है जिसको सनस्टोन का यूज करके हीलियोलिस्क में इवॉल्व किया जा सकता है। अब इसके पास या तो मिडल एवोल्यूशन होना चाहिए था या तो एक थर्ड एवोल्यूशन होना चाहिए था। सबसे पहले मिडल एवोल्यूशन देखा जाए तो इसका मिडल एवोल्यूशन इस तरह का हो सकता था। इसका नाम है हीलियो गुआना। ये नाम कॉम्बिनेशन है हीलियोस का और इग्वाना का। हीलियोस एक एंशियंट ग्रीक वर्ड है जो कि सन के लिए यूज किया जाता था, और इग्वाना एक टाइप का रेप्टाइल या फिर छिपकली है। इसकी टाइपिंग भी इलेक्ट्रिक और नॉर्मल टाइप होगी। अब इसका फाइनल एवोल्यूशन देख लेते हैं जो कि इस तरह का होगा। इसमें जाने के बाद इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और रॉक टाइप हो जाएगी। ये टाइप कॉम्बिनेशन काफी ज्यादा औसम है, और ये एवोल्यूशन हीलियोलिस्क के लिए बिल्कुल परफेक्ट होता। और फाइनली नंबर 10 क्रैबी। क्रैबी एक वाटर टाइप का पोकेमॉन है जेन 1 कैंटो से, और ये भी एक 2 स्टेज का पोकेमॉन है जो कि इवॉल्व होता है प्योर वाटर टाइप पोकेमॉन किंगलर में। वेल इसके थर्ड स्टेज की बात करी जाए तो मेरे पास इसके लिए 3 डिजाइन हैं। सबसे पहली डिजाइन ये है। इस डिजाइन में इसकी टाइपिंग वाटर और डार्क टाइप हो जाएगी किंगलर में, और इसमें ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस इसमें इवॉल्व होने के बाद इसके पिंसर्स बड़े हो जाएंगे। अगली डिजाइन ये है। ये डिजाइन भी मुझे काफी ज्यादा पसंद आई। और तीसरी डिजाइन ये है। ये डिजाइन मुझे इतनी कुछ खास नहीं लगी, और तीनों डिजाइन में इसकी टाइपिंग वाटर और डार्क टाइप होगी। वेल आप लोग कमेंट्स में जरूर बताना कि तीनों में से कौन से डिजाइन आपको सबसे ज्यादा पसंद आई। वेल गाइस, यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड हाँ, दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन, पीस आउट।